धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? 4 रुपए कमाने का। गुजरात द डॉन कॉन 500 GB जैन कहान। एड्स जैसी जो घातक बीमारी अभी कम्युनिटी में फैल रही है और उसका जो हाई रिस्क ग्रुप है वो माइग्रेंट्स है, तो उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने जो 2 काउंसिलर्स बुलाए हैं, तो उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। मिस्टर कुलाल एंड मिस्टर करण ऑन द स्टेज। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको आपके बॉस ने बताया ही है कि हम यहाँ एड्स अवेयरनेस के लिए आए हैं, तो हमने सोचा कि कम्युनिटी में जाने से पहले क्यों ना हम आप लोगों से इस नेक काम की शुरुआत करें। तो सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे। The human immunodeficiency virus is spread during sexual intercourse when bodily fluids are exchanged, or during a blood transfusion with untested blood, or passed from mother to baby during childbirth, or when drug addicts share contaminated needles, or when getting tattooed with used needles. HIV is not spread by sharing food or drink, or by touching an infected person. ठीक है। अरे या सॉरी यार, मैं सुन नहीं पाया, बोलना भाई। उस बात को बीते इतना वक्त गुजर गया है, अभी तक तो उस गम से नहीं निकला। गलती मेरी थी गुनाह, मैं आज तक अपने आप को माफ नहीं कर पाया। आज भी लगता है कि वो मेरे आसपास ही। देख यार, जो होना था हो गया, कितना पनिश करेगा खुद को। इतना अच्छा काम कर रहा है, जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी से भरोसा उठ चुका है उनको जीने की उम्मीद दे रहा है तू। इतने लोगों को HIV एड्स जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ना और जीना सिखा रहा है।
लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। आपको क्या लगता है वो काम करेगा? जी हाँ, हम लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ है बस 2 महीने ही हुए हैं, तो हम आशा करते हैं कि हमारी मेहनत का रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। शायद आप जानते नहीं हैं कि जब से आप लोग आए हैं तभी से यहाँ पे HIV केसेस बढ़ रहे हैं, कम्युनिटी में भी और ऑफिस में भी। तो क्या समझा जाए इससे, आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं या उसके पीछे धोखा दे रहे हैं? जी मैडम, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हम और ऑर्गेनाइजेशन मिलकर यहाँ पे लोगों के हेल्थ और वेलफेयर के बारे में काम कर रहे हैं और आप हमें ही कल्प्रिट बना रहे हैं। देखिए, हमने भी इस प्रॉब्लम पे गौर किया है और जल्दी जल्द हम इस पे सॉल्यूशन और इसके पीछे के मुजरिम को भी ढूंढेंगे। और अच्छे काम का तो भगवान भी साथ देता है, थोड़ा भरोसा रखिए हम लोगों पे। सॉरी सर, हमारा तो काम ही यही है, कुछ पता चले तो हमें ज़रूर बताइएगा। क्या यार, तू भी, इन्होंने कुछ गलत काम करा होगा। नो यार, करण एंड कुणाल आर डूइंग ग्रेट जॉब। दे आर मेकिंग अवेयर ऑफ थिंग्स अबाउट HIV ना, हाउ इट स्प्रेड्स एंड ऑल, एंड वी आर फार अवे फ्रॉम होम, सो वी केम टू नो ना हाउ इट इज स्प्रेडिंग एंड ऑल। दे आर डूइंग गुड, ग्रेट। ये साला जितनी बार उसको मारने की कोशिश करूं बची जाता है। नहीं 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 नहीं, अब इसको मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। पता है ना, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट काफ़ी लेट स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से ही इज इन क्रिटिकल कंडीशन, ही हैज़ क्रॉस ऑलमोस्ट द लास्ट स्टेज। क्या हो गया भाई उसे? ओए बता क्या हो गया उसे? करण HIV की लास्ट स्टेज। उसको HIV था? करण की वाइफ दिशा। दिशा, आपकी रिपोर्ट्स आ गए हैं, HIV पॉजिटिव है।
जल्दी मर जाऊंगी ना। डायरी मिलने के बाद उसे पता चला कि दिशा की कोई गलती नहीं है और इसी कारण उसने अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया। HIV, एक HIV संक्रमित व्यक्ति को देखकर आप कैसा महसूस करते हैं? जरूर इसने कुछ गलत काम किया होगा, इसको कम्युनिटी से वंचित कर देना चाहिए। लेकिन हम HIV से इतना डरते क्यों हैं? वेलकम टू लेट्स टॉक। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या HIV के साथ जीना मुमकिन है। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स है जो HIV के साथ जी रहे हैं और इसके साथ में वो देश भर में ART और HIV अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। तो ढेर सारी तालियों के साथ स्वागत करें मिस्टर नीरव। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरव। आज आप सबके सामने खड़ा हूं वही वायरस मेरी बॉडी में लिए जिससे आप सब लोग डरते हैं। यस, आई एम HIV पॉजिटिव। सो वॉच, मेरी कहानी की शुरुआत होती है वो एक्सीडेंट से, जब मुझे खून की जरूरत थी। अरे वो लोग तो मुझे जिंदा रखना चाहते थे, मेरी लाइफ सेव करना चाहते थे, बट आई वॉज गिफ्टेड विथ अ वायरस विच इज गोइंग टू किल मी एनी हाउ। अरे लोगों की बातों के हिसाब से तो मुझ जैसे लोगों को तो जीने का हक ही नहीं है। बहुत गुस्सा आया जब मुझे इस बात का पता चला। अरे बाहर किसी को पता चलता तो वो थोड़ी ना मुझे जीने देते। उस वक्त सब मेरे खिलाफ था, सब। साला जॉब से निकाला जाना, किसी के बात नहीं करना, कलीग से दूरी, जहां तक जिससे प्यार करता था वो भी छोड़ के चली गई। पिन प्रिक इंजरीज काफी फेमस हुई थी। आपको पता है उसका कल्प्रिट कौन था? जी हाँ, यही बंदा जो आपके सामने खड़ा है। जी हाँ, मैं ही हूँ। लोगों को अपने खून के इन्फेक्टेड नीडल से प्रिक करता था मैं, और फिर उनको इसी हाल से गुजरते देखना शौक सा बन गया था मेरा। बहुत अच्छा लगता था मुझे इन लोगों को सफर होते हुए देखना। आई नो, अभी आप सब लोग मुझे काफ़ी जजमेंटल होकर देख रहे थे, लेकिन एक बार आप सब लोग सोचिए, अगर समाज ने, हाँ यही समाज ने मुझे इतना मजबूर किया नहीं होता तो मैं कभी ऐसा करता क्या? फिर आया एक ऐसा टारगेट जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। खुद भी बीमारी से पीड़ित होने के बाद भी उन्होंने कितनों की मदद की, लेकिन जब मैं उनको प्रिक करने गया उसी वक्त मुझे उनकी कहानी पता चली और जैसे मैं बस शांत हो गया। बीमारी भी दोनों को एक ही थी, जहां मैं अपनी बीमारी को लेके रो रहा था, जिंदगी अपनी बर्बाद कर रहा था, और वो कितनों को एक नई जिंदगी देके मर रहा था और मर के भी अमर हो गया। तो इसी सोच ने मुझे लड़ना और जीना सिखाया। सो एज अ लॉन्ग टर्म सर्वाइवर आई नो द रेजिलियंस वेरी वेल। रेजिलियंस इज द एबिलिटी टू कोप अप विथ एडवर्सिटी एंड टू एडप्ट वेल विथ ट्रेजेडी, ट्रोमा, स्ट्रेस एंड इमोशनल पेन। और दोस्तों, आज मेरी भी एक फैमिली है। यस, माय वाइफ इज HIV पॉजिटिव टू, और हम लोग बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं।